नमस्कार बुलेटिन को स्वागत मु स्मृति लग्ना प्रथमे हेडलाइंस आजि सांतंक सुनावेश अपराह्न 4टारु ठाकुरंक दुर्लभ बेश आरंभ रथ उपरे श्रीजीवंक देहरे लागिबो 138 प्रकार रत्न खचित स्वर्ण अलंकार दूररे थाई दारुदियंक दिव्य दर्शन देखिबे श्रद्धालु। बंगोपसागर में दाना बांधुची लघुचाप, आसंता 48 घंटा भितर राज्य विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा संभावना। आज 16 जिले में प्रबल वर्षी पारे, तीन दिन पर सतर्क सूचना जारी कला पानीपाग विभाग। सेरोलॉजिकल सर्वे आसला खुशी खबर, देशर दुई तृतीयांश लोकों देह में कोविड आंटीबॉडी। जून रु जुलाई भितर 21 राज्य 70 जिले सर्वे, आईसीएमआर महानिर्देशकों बयान देला आश्वस्ति। सौम्य मृत्यु सस्पेंस, परला खेमुंडी में क्राइमब्रांच टीम विद्यांक बापांक पुलिस पांच घंटा जेरा। सौम्यों चरित्र को नहीं पत्नी आक्रमण अभियोग को खंडन कले मां तुलसी। बीजेपी संसदीय दल बैठक विरोधी को प्रधानमंत्री टार्गेट, कहिले कोमारु बाहरी पारुना कांग्रेस, कोविड परिचालना को नहीं करुछि अपप्रचार, कड़ा जवाब देवाई दलय सांसदों निर्देश। महाकाश यात्रा अभियान रे नुआ इतिहास, एणिकी स्पेस पर्यटन रे जिबे यात्री, निरापदरे स्पेस रु फेरिले आमाजन प्रतिष्ठाता जेफ बेजोस। आगो को कंपनी रो दुईटी जान रे यात्री को नै महाकाश बुलिबा योजना। एवं कोलंबो रे विजय सह सीरीज उपरे भारत रो कब्जा, बैटिंग एवं बोलिंग रे चमकिले चहल, दम देखाइले सूर्य कुमार। लंका रे टीम इंडिया रो लगातार 10वां विजय। संपूर्ण खबर को आसीबा, देशव्यापी करा जायतिबा सेरोलॉजिकल सर्वे रे भलो खबर सामना को आसीछि। 67.6% लोकंक शरीर रे कोरोना विरोधी आंटीबॉडी सृष्टि होई सारिछि, अर्थात मोट जनसंख्यार दुई तृतीयांश लोकंक देह रे रहिछि कोविड आंटीबॉडी। मंगलवार स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु मिलिथिबा सूचना आधार रे देशरे होइथिबा सर्वे रे 67.6% लोक सेरो पॉजिटिव थिबा जणा पडछि। तबे आईसीएमआर महानिर्देशक डाक्टर बलराम भार्गव कहिछन्ति राष्ट्रीय सेरो सर्वे रो चतुर्थ पर्याय जून जुलाई रे 21 राज्यर 70 जिले करा जायछि, एथिरे 6-17 वर्षीय पिला माने मध्य सामिल होइथिले। सर्वे रे 85% स्वास्थ्यकर्मी ठारे कोरोना विरोधी आंटीबॉडी विकसित होइथिबा जणा पडिछि। जेतिके जणको नै सेरो सर्वे करा जायथिला सेमानकर दुई तृतीयांश लोकंक शरीर रे आंटीबॉडी सृष्टि होइछि। इन कंक्लूजन, 2/3 ऑफ द जनरल पॉपुलेशन दैट इज अबव द एज ऑफ 6 इयर्स had SARS-CoV-2 infection. More importantly, 1/3 of the population did not have any antibodies. That is still approximately 40 crore population of this country is still vulnerable. States and districts and areas without antibodies run the risk of infection waves. More than half of the children, 6 to 17 years, were seropositive, and seroprevalence was similar in rural and urban areas, and 85% of the healthcare workers had antibodies against SARS-CoV-2, and 1/10 of the healthcare workers were unvaccinated, that is around 10%. बीजेपी संसदीय दल बैठक विरोधी को टार्गेट कले प्रधानमंत्री, कहिले कोमारु बाहरी पारुना कांग्रेस, कोविड परिचालना को नहीं करुछि अपप्रचार, देश में सृष्टि करुछि गुजब वातावरण, कड़ा जवाब देवाई दलय सांसद को निर्देश देते मोदी। बीजेपी संसदीय बैठक विरोधी को प्रधानमंत्री का टार्गेट, कोमारु बाहरी पारुना विरोधी कांग्रेस, कोविड परिचालना को नहीं करुछि अपप्रचार, देशरे सृष्टि करुछि गुजबर वातावरण, कांग्रेस को कड़ा जवाब देवाई दलय सांसद को निर्देश। मौसुमी अधिवेशन द्वितीय दिन में प्रधानमंत्री मोदी संसद बीजेपी पार्लियामेंटरी बैठक में कोविड नियंत्रण जनित पदक्षेप को नहीं आलोचना करिछन्ति। कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने को सरकार तरफ समस्त प्रकार प्रस्तुति करा जायछि, किंतु विरोधी एहाकु नै मिछ प्रचार करुछन्ति। सरकार को द्वारा कोविड नियंत्रण समस्त पदक्षेप और प्रस्तुति को विरोधी माने जानी सुनी समालोचना करुछंती। कोविड परिचालना को नहीं देशवासी सामने मिथ्या तथ्य सृष्टि करा जाउछि,
कोविड रा तथ्य को नहीं देशरे एक प्रकार नकारात्मक परिवेश सृष्टि करुछंती विरोधी एपरि मिथ्या प्रचार करिवारे विशेष भावरे विरोधी कांग्रेस संप्रक्तता को नहीं समालोचना करिछंती प्रधानमंत्री कांग्रेस निजर असफलतार कोमारु एपर्यंत बाहरी पारिनाई तेणु बीजेपी कोविड परिचालना जेपरि भावरे सफल होईछि ओ विशेष भावरे सरकार तरफरु जेपरि भावरे वैक्सीन परिचालना आदि को सुरखुरुरे परिचालना करा जाउछि ए कथा विरोधी हजम करि पारु नाही कांग्रेस को प्रति स्तर रे कड़ा जवाब देवा पई दल को निर्देश देइछंती प्रधानमंत्री आग को तृतीय लहर आसुतिबा बेले संक्रमण नियंत्रण पई सुदृढ़ पदक्षेप नेबा पई प्रधानमंत्री दल समस्त सांसद को सतर्क कराइछंती सूचना योग्य गतकाली संसद रा मौसुमी अधिवेशन रा प्रथम दिन रे विरोधी को हट्टगोल जोगु संसद कार्य बाधा प्राप्त होइतिला ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज युके रे बादुड़ी देहरो मिलिला कोरोना पई दाई नुआ वायरस ए बादुड़ी देहरो मिलिछि सार्स कोप 2 वायरस नुआ वायरस रो ना सर्वे को बोली कहा जाउछि जहा कि कोरोना पई दाई बोली कहा जाउछि सेति पई गवेषक माने बादुड़ी पाखो को जाउतबा समय रे मास्क एवं पीपी किट पिंधवा पई कहा जाइछि कारण कोरोना संक्रमित मनीषंक ठू बादुड़ी देह में भाईरस पहुंचले यह म्यूटेट हो पारे मिलता नुआ भाईरस कोरोना भाईरस उपसमूह भितर आसुची यूनाइटेड किंगडम रे बादुड़ी जिनोम अनुक्रमण नमूना संग्रह करा जाई छी एवं ए सबो किछि तथ्य मिलछि बादुड़ी उपरे रिसर्च करथिबा टीम रो ना हेउछि RHGB01 सूचना आधार रे बादुड़ी दीर्घ दिन धरी निज शरीर रे रखिथिले तबे एहा प्रथम थोर पई परीक्षा करा जाई छी जे पर्यंत वायरस म्यूटेट बा निजको परिवर्तन करे नाही से पर्यंत एहा मनुष्यक पई साधा विपद न होई पारे दिन गड़ुछि रहस्य बढ़ुछि सौम्यंक मृत्यु पछर असल रहस्य कौन ताहा एबे भी अस्पष्ट रहिछि तदंत प्रक्रिया रे पुलिस को सहयोग करिबो क्राइमब्रांच सौम्य मृत्यु मामला रे एपर्यंत पारलाखेमुंडी पुलिस को किछि बिखिय मिलिला नाही छह जणिया पुलिस टीम विद्यांक बापा मां को 5 घंटा रु अधिक समय धरी पचरा उचरा करिछंती विद्यांक मोबाइल जबत करा जाइछि ता सहित पुलिस को मोबाइल रु बहु गुरुत्वपूर्ण तथ्य मिलथबा सूचना पुलिस को संपूर्ण सहयोग करिवे बोली कहिछंती विद्यांक परिवार प्रश्न उठुची पारलाखेमुंडी पुलिस क्राइमब्रांच रो सहयोग मागिथिला कि ना एही गुरांटी ओआईसी संप्रुक्ति परे सरकार एभले एक पंथा अपणैले एबे सुधा डीएफओ को जेरा करा जाय नाही काहे कि क्राइमब्रांच टीम डीएफओ को जेरा करिबो कि गत 12 तारीख रात सौम्यों शरीर में निआ लगिजार गुरुतर अवस्था तांको पारलाखेमुंडी मेडिकल भर्ती करागला 13 तारीख में संदेहजनक भाव कटक मृत्यु है ए बाबद अधिक सूचना पाई आम उदलारे प्रतिनिधि अच्छा संजय महालिक संजय पूरा घटना वर्तमान चर्चा रे रही राज्य रे ए घटना को लेकिन रहस्य अधिक बढ़ी चली लोक मैंने प्रश्न करुंटी डे वन रु डीएफओ संप्रुक्ति सामना को आसुची ताकि बारंबार सौम्यों परिवार लोक अभियोग आणुंत जेरा करागला ना कहीं पचरा उचरा करागला ना कहीं वर्तमान क्राइमब्रांच तदंतर दिग को केमती देखा निश्चित भाव सुत्रील ज्ञान देखो जो भाई भाव में सौम्यरंजन महापात्र जो एसीएफ थे मृत्यु घटना जहाँ को नहीं सारा राज्य में लोक मान वर्तमान से ही गोटे घटना उपर नजर रखिंट जे प्रकृत मृत्यु केमी घटला संपूर्ण भाव में आत्महत्या रही हत्या करतमान सौम्यरंजन पर जो हत्या घटनार जो अभोग आने किद व्यवधान पर बर्तमान जो विद्याभारती रही से मुह खोली मीडिया सामने मुह खोली जो बयान रेकर्ड कर किंतु आ गोटे कथा बापा गत काली जहाँ सूचना आमको देखते जो ज्वाई थे से बहुत अति भल मनीष थे एवं से निश्चित भाव मेलापी लोक थे किंतु किभली भाव में हत्या कि आत्महत्या से भी जहाँ कही पार ना कि अन्य पक्ष जो विद्याभारती रही थे से स्वामी अन्य जो अन्य एक जो झीवों सहित बा महिला सहित किसी संपर्क रही है से ए विषय बारंबार पचारू थे कि सौम्य ए विषय कहवाक नाराज थे तेज जहाँ
नहीं कि यह सब घटना निश्चित भाव गोटे बुढ़ियाणी जाल भितर छंदी जाए कि वर्तमान सुधा तर जो मृत्यु घटना रहस्य घेर रही वर्तमान सुधा ताहा उन्मोचन हो पारना तेज यही सबू भितर जदि आम देखा तेल डीएफओ कहीं एपर्त जेरा कराएं या भितर क्राइम ब्रांच इनक्वारी आरंभ कर सबू भितर जदि जो आई आई सी रही ममता पंडा जी रही सी कहीं सेठाक जाइए विभिन्न प्रश्नवाचक चिन्ह सृष्टि प्रत्येक दिग्वर जब देखा कराए आउ गोटे कथा जिते बड़े छजिया पारला खेमुंडी पुलिस टीम ममता जिते बड़े विद्याभारती आसिकी पचराउचरा करते पर पचराउचरा करते सेठार मोबाइल और जो कि जो जबत करते कि सामग्री जबत करके से नहीं सेठार गुरुत्वपूर्ण किसी जो डाटा मध्य संग्रह करा जाय जबो बोली जहाँ सूचना माइजी किंतु अन्य पक्षरे जेतु सौम्य रंजन महापात्र परिवार जे रहिछन्ति सेमाने एबे भी अभिजोग आणुछन्ति जे ए घटना बाबदरे संपूर्ण भावरे दायी होउछन्ति विद्याभारती कारण से संपूर्ण भावरे जानिछन्ति तांको सौम्य रंजन कर किभळी भावरे मृत्यु घटिला तांकु सुकल्पित भावरे हत्या करा जायछि एबे भी सेमाने अभिजोग आणुछन्ति किंतु कथा होउछि जेतेबेले पारला खेमुंडीर छ जणिया टीम दीर्घ समय बिती जायथिला परे धीरे धीरे एक्शन मोड को आसुछि एवं किभली भाव रे सौम्य रंजन महापात्र मृत्यु घटला ताहा वर्तमान से माने नजर रहिछे एवं सबठो गुरुत्वपूर्ण कथा होछि जे केतेबेले डीएफओ को तदंत परिसर भुक्त करा जिबो जदि तांकर संप्रक्ति डे 1 रो आसुछि अभिजोग आसिछि काही कि तांको एबे पर्यंत थरोटी हेले पुलिस पचरा उचरा करी नाही एवं क्राइम ब्रांच तदंतर दिग क्वाडे से उपरे मध्य हमर नजर रहिबो। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे सूचना पई हमर प्रतिनिधि अधिक सूचना दोथले समय छुट्टिया ब्रेक रो ब्रेक पर फेरबा खबर फेरबा खबर को सरिला बाहुड़ा जात्रा आज श्री विग्रह सुनावेश महण महण सुनारे सज्जित हेबे महाबाहु आषाढ़ शुक्ल द्वादशी तिथि रथारूढ़ श्रीजीवर बड़ चढ़ाव बेश तथा सुनावेश अपराह तीनटा सुधा सर महाप्रभु मध्यान्न धूप पर मैलम ए मेकअप सर्वांग बेश आरंभ अपराह चारिटा समय ठाकुर दुर्लभ बेश आरंभ हो श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष नीति धार्य कर रथ उपर सुनावेश ठाकुर 138 प्रकार रत्न खचित स्वर्ण अलंकार लगे श्रीमंदिर रत्न सिंहासन ठाकुर कार्तिक पूर्णिमा कुमार पूर्णिमा दोल पूर्णिमा दशहर सुनावेश समस्ते देखिपार नाबे रथ उपर ठाकुर सुनावेश देखि विश्ववासी असरती आनंद लाभ करे चलित बर्ष कोरोना संकट जो भक्त माने टेलीविजन माध्यम ही ठाकुर सुनावेश दर्शन करे सेपटे गत वर्ष चलित बर्ष सुनावेश नीति अनुष्ठित सुनावेश मार्केट छक काकुड़ीखाई छक और श्रीमंदिर चतुर्पार्श्वे 144 धारा जारी हो 24 तारीख अर्थात नीलाद्रि विजय पर दिन पर्यंत श्रीमंदिर चारिपाखे नियम बलवत्तर र अर्गसरे सुनावेश कार्यक्रम देखंतु एवं सुना जितंतु तेज आज महाप्रभु सुनावेश अनुष्ठित हेबो अर्गस टीवी विश्व नियंता सुनावेश सीधा प्रसारण अपराह दुईटू आरंभ हो तबे प्रति अध घंटे सुनावेश संपर्कित प्रश्न पचरा सठिक उत्तरदाता मिल गोल्ड उपहार ए बाबद अधिक सूचना पाई पूरी प्रतिनिधि आलोक आशुतोष आम सहित जोड़ी होती आलोक आज एक महान दिन आज एक पवित्र दिन बोली कहिबा साधारणत प्रभुंकर जो सुनावेश अनुष्ठित होता है मंदिर भितर प्रति भक्त ता देखिबार सुजोग बा लाभ पाई न था तो महाप्रभु लीला हिसाब से रथरे ही सुनावेश अनुष्ठित होता है आज टेलीविजन माध्यम अगणित भक्त महाप्रभु सुनावेश देखिपारे निश्चित भाव स्मृतिलग्न आप जानते आज बड़ पवित्र दिन आज महाप्रभु सुनावेश बड़ तड़ाऊ बेश निश्चित भाव में गत काली महाप्रभु आड़प मंडपुर श्रीमंदिर को विजय कर श्रीमंदिर सिंहद्वार को श्रीमंदिर सिंहद्वार रथत्रय दंडायमान रही आम प्रथम आम अगणित दर्शक मान महाप्रभु सान्निध्य ने चाहबू जेहतु सीधासल दृश्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ सका सका मंगल आरती शेष हो अवकाशपूर्ण प्रस्तुत चलती निश्चित भाव में आम कहीपर अन्य दृश्य को जो भक्त श्रद्धा मैंने उपभोग कर
କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃତାର୍ଥ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିବା ସହିତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସୁନାବେଶ ବା ବଡ଼ ତଡ଼ାବେଶ। ଆଜି ମହଣ ମହଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭୂଷିତ ହେବେ ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଶେଷ ହେବ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଆସିବ। ସେ ଶ୍ରୀପୟର ହେଉ, କିରୀଟି ହେଉ, ଶ୍ରୀଭୁଜ ହେଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘାଗେଡ଼ା ମାଳି ହେଉ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେଉ, ଏ ତମାମ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିବ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ତ ଅନନ୍ୟ ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି 4:30-5:30 ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ଶେଷ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସୁନାବେଶକୁ କଢ଼ାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନାବେଶକୁ ଓଲାଗି କରାଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସେବାୟତମାନେ ହିଁ ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁନାବେଶର ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିବ ତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା ବର୍ଷକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 5 ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ 4 ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରଥ ଉପରେ ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଥର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗୋଟିଏ ଥର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଗୋଟିଏ ଥର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପବିତ୍ର ଆଜି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ବଡ଼ ତାଡ଼ଉ ବେଶରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶର ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ସମ୍ପାଦିତ କରାଯିବ। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ମହଣ ମହଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଆସିବେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଣାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କହିପାରିବା ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ କାକୁଡ଼ିଖାଇ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି, କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ 24 ସକାଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପରିବେଶ ବେଶ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥମୟ ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଜି ସିନା ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିନା ସବୁକିଛି ଅଧୁରା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗତକାଲି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ସେବାୟତମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି 4:30-5 ମଧ୍ୟରେ ଅପରାହ୍ନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହଣ ମହଣ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆଜି ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେବାୟତମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ କରିବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଅବକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଅବକାଶ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତଡ଼ପ ଲାଗି ମୈଲମ ହେବ, ସକାଳ ଧୂପ ହେବ। ସକାଳ ଧୂପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଥାରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଥ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସକାଳ ଧୂପରେ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ, ଖଇକରା ଭୋଗ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳ କହିପାରିବା ଖୁଆମଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ୟ ରହିଛି, କେବଳ ସେବାୟତମାନେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ସେୟା ଉପୁଜିଛି, କରୋନା ମହାମାରୀର ଭୟ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯଦି ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ପୁନର୍ବାର ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ, ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଯେହେତୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି, ଭକ୍ତ ବିହୀନ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଆବେଗ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମହଣ ମହଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ ହେବେ, କ'ଣ ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଘରେ ବସିକି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବେ, ସମସ୍ତେ କେହି ବି ସେବାୟତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବେନି, ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି କରିପାରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ଯାହା ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସମୟସୀମା 4 ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ କହୁଥିଲେ ଯେ
टिके भी विशृंखला बर्दाश्त करा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक समस्त अपडेट पाई। वर्षा चाहूनाहांती डिवोर्स विवाह विच्छेद पाई व्यस्त अनुभव। हाइकोर्ट को द्वारस्थ हेले बीजेडी सांसद अनुभव महांती मामलार त्वरित सुनानी करबा पाई कोर्ट आवेदन करिछंती अनुभव। निर्दिष्ट समय भितरे सुनानी शेष करबा पाई प्रार्थना। पूर्वरु अनुभव का नारे घरोई हिंसार अभियोग आनिथिले वर्षा। अनुभव एवं तांको दुई सहयोगी नारे 498A 506 341 मामला मध्य रुजु होइथिला किंतु पुलिस कार्यानुष्ठान ग्रहण करि नथिला। पूर्वरु वर्षा अनुभव का नारे अभियोग आनिथिले पिटिशन रे एकथा मध्य उल्लेख करिथिले से अनुभव दिल्ली रे जणे महिलांक सहित रहुथबा नै विश्वस्त सूत्ररु खबर पाइछंती। से महिलांको नै मध्य चर्चा जोर धरिथिला। तबे अनुभव एबे त्वरित सुनानी पई हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइछंती जहाकु नै चर्चा घनेबार लागछि। जुलाई 20 तारीख मंगलवार दिन एक नुआ इतिहास सृष्टि होईछि। महाकाश यात्रा अभियान रे निज सहकर्मी सहित महाकाश को यात्रा करी निरापद रे पुणि थरे पृथ्वी पृष्ठ को फेरी आसिछंती विश्वर सबुठ बड़ धनी तथा अमेरिकीय ई कमर्स कंपनी आमाजन रा प्रतिष्ठाता जेफ बेजोस। चलित बर्ष बेजोस कंपनी रो दुईटी महाकाश जान यात्री को नै महाकाश बुलिबा को जीव बोली योजना करा जाइछि। महाकाश पर्यटन क्षेत्र में सृष्टि हला इतिहास। महाकाश को जाई फेरिले आमाजन मुख्य जेफ बेजोस। बेजोस को प्रतिष्ठित कंपनी ब्लू ओरिजिन रो सफलता। चलित मास रे महाकाश को यात्रा करथिले आउ जने शिल्पपति रिचार्ड ब्रांसन। ब्रांसन को ठारु अधिक उच्चता छुईले बेजोस। आग को महाकाश यात्रा करिवे एलन मस्क। जुलाई 20 तारीख मंगलवार दिन एक नुआ इतिहास सृष्टि होईछि महाकाश यात्रा अभियान रे। निज सहकर्मी महाकाश को यात्रा करी निरापदरे पुणी पृथ्वी पृष्ठ को फेरी आसछंती विश्वर सबुठ बड़ धनी तथा अमेरिका ई कमर्स कंपनी आमाजन प्रतिष्ठाता जेफ बेजोस। सूचना अनुसार मंगलवार दिन सकाल 9:12 समय रे बेजोस तांकर सान भाई समेत तीन जनक टेक्सास रु महाकाश को यात्रा करथिले। बेजोस को द्वारा प्रतिष्ठित घरोई महाकाश पर्यटन कंपनी ब्लू ओरिजिन रो न्यू सेफार्ड लॉन्च व्हीकल साहाज्य रे चारि जन महाकाश को यात्रा करथिले। जेउठारे पृथ्वीर वायुमंडल शेष हो महाकाश आरंभ होता है सेठाक जाते चारिज एवं सेठे 10 मिनिट रही पुणी सफलतार सह पृथ्वी पृष्ठ को फेरी आसी महाकाशर फेरवापर बेस खुशी व्यक्त करिछंती बेजोस। किछिदिन तले आमेरिकार आउ जणे धनी व्यवसायी रिचार्ड ब्रांसन तांकर भर्जिन गैलेक्टिक कंपनी जरिया महाकाश को यात्रा करथिले तेबे से जेतिकि दूर जाइथिले ताठारु अधिक उच्चता छुइछंती बेजोस। एथिपाई बेजोस को महाकाश यात्रा पूर्वरु एवं परे ट्विट जोगे अभिनंदन जणाइछंती ब्रांसन। बजेस हेउछंती एपर्यंत महाकाश को यात्रा करथिबा सबुठ वयस्क व्यक्ति। बेजोस महाकाश पर्यटन पई तांको कंपनी जरिया टिकेट बुकिंग आरंभ कर देइछंती। व्ययबहुल हेले मध्य एथिपई अनेक धनी लोक आग्रह प्रकाश कलेनी। चलित बर्ष बेजोस को कंपनी रो दुईटी महाकाश जान यात्री को नहीं महाकाश बुलिबा को जीवो बोली योजना करा जाइछि। महाकाश को पूर्वरु केवल महाकाश विज्ञानी एवं गवेषक मानकर यात्रा संभव हेउथुवा बेले एबे सेथिरे आसछि परिवर्तन। बड़ बड़ शिल्पपति माने एबे आरंभ करिछन्ते महाकाश को यात्रा करिवारो नुआ ट्रेंड। सेमानक मध्यरे आगरे अछन्ते जेफ बेजोस, ब्रांड जॉनसन एवं एलन मस्कंक भली धनी व्यवसायी जेउ माने महाकाश पर्यटन को व्यवसाय रे परिणत करबाकु योजना करिछन्ति। एबे ब्रांसन एवं बेजोस महाकाश को यात्रा करी सारिथिबा बेले आगकु एलन मस्क जिबा पई प्रस्तुत हेउथुवा जणा पडिछि। तबे भविष्यत रे मंगल रे बसति स्थापन करिवार लक्ष्य रखिछन्ति एलन मस्क। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। बंगोपसागर दाना बंधुची लघुचाप। आसंता 48 घंटा भितर राज्य विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा संभावना। आज 16 जिले में प्रबल वर्षिपे एने सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। जुलाई 23 तारीख में उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और यार आखपाख अंचल लघुचाप सृष्टि हो फिर आसंता 5 दिन ओडिशार विभिन्न जिले में वर्षा नहीं पूर्वानुमान। सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, अनुगुल, ढेंकानाल, बालेश्वर, गजपति और गंजाम जिला वर्षा सतर्क सूचना जारी करा। यार प्रभाव में ओडिशार समेत पश्चिमबंग और झारखंड में जुलाई 22-27 पर्यंत प्रबल वर्षा होबो। परवर्ती 2 दिन यह पश्चिम दिगरे गति करिबो। छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र में प्रबल वर्षा कराइबो। ए लघुचाप सृष्टि हेबा परे देशरे दुर्बल हो जाइथिबा मौसुमी पुणी थरे सक्रिय होइजिबो जहार प्रभाव रे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्य रे वर्षा हेबो बोली अनुमान करा जाइछि।
खेल खबर को आसीबा भारतर लंका विजय श्रीलंका विपक्ष द्वितीय मैच रे टीम इंडिया दमदार विजय हासिल करिछि। प्रमदास स्टेडियम रे चलिला धावन बाहिनी रो सुपर शो। घरोई टीम को 3 विकेट रे परास्त करी सीरीज को कब्जा करिछि धावन बाहिनी। सूर्य कुमार यादव एवं दीपक चहर अर्धशतकीय पाली बल रे भारत विजय हासिल करिछि। प्रथमे बैटिंग करी श्रीलंका निर्धारित 50 ओवर रे 9 विकेट हराइ 275 रन करथिला। दल पक्षरु अश्लंका सर्वाधिक 65 रन करते। भारत पक्षर भुवनेश्वर कुमार एवं युजवेन्द्र चहल 3 लेखाएं विकेट नहीं। जवाब रे भारत 49.1 ओवर रे 7 विकेट हराई विजय लक्ष्य हासिल करिवारे सक्षम होई। समय अर्गस अपडेट को विदाय दिंतु। मते नमस्कार।